हेलो गाइस, तो आ गया मैं आप लोगों के लिए अगर वीडियो लेकर के। और ये वीडियो जो है सिर्फ हेल्पिंग पर्पज़ के लिए है। हुआ ये कि अभी रात का 12:30 हो रहा है और अभी मेरे पास एक बंदे का कॉल आता है कि भैया मेरा टायर गाड़ी का पंचर हो गया है। मेरे पास बाइक है और बाइक का टायर पीछे पंचर हो गया है, उसकी वजह से वो फंस गए हुए हैं। वो बोलते हैं मैं फंसा हुआ हूँ भैया, मुझे हेल्प कर दो क्योंकि कोई नहीं आ रहा है। मैंने गूगल करके बहुत सारे नंबर निकाले पंचर वाले के, टायर वाले के, बट कोई भी मुझे हेल्प करने के लिए नहीं आया। बट आप प्लीज़ मेरा हेल्प कर दो एक बारी। तो मैंने उनको कह दिया कि ठीक है भैया, मैं आपका हेल्प कर दूँगा, आप कहाँ पे हो आप अपना लोकेशन भेज दो। तो उन्होंने अपना लोकेशन भेज दिया मुझे, और उसी लोकेशन के पर्पज़ से हम जा रहे हैं वहाँ पे और देखते हैं कि उनका क्या कंडीशन, उनका टायर कैसे पंचर हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितना अंधेरा है यहाँ पे, कैसा एरिया, ये बहुत ही ख़राब एरिया है, बहुत ही डेंजरस है। इतना अंधेरा, गाड़ी सिर्फ दिख रहा है यहाँ पे जो रोड पे चल रहा है, बाकी कुछ नहीं है, ना इधर कोई घर है ना कुछ है, पूरा जंगली जंगल है सिर्फ। तो इतना मेहनत कर रहे थे, एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है यार, प्लीज़। तो हम पहुंच गए फाइनली अपने कस्टमर के पास और देखते हैं कि क्या उनका कंडीशन है। वो देखे सामने है, देखते हैं क्या हुआ है उनके, ये इनके टायर्स का क्या कंडीशन, क्या हालत हो रखा है। पूरा ट्यूब बाहर आ गया, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे सारे ट्यूब वगैरह सब कुछ बाहर आ गया है। जैसे ये देखिए किस तरह से, लाइट जलवा देता हूँ अभी आप लोग को दिख जाएगा, ये देखिए किस तरह से बाहर आ गया पूरा। फंसे हुए थे, अब क्या करेंगे, कहीं पंचर वाला नहीं कुछ नहीं, तो इन्होंने पंचर पे ही चला दिया और पंचर पे चाहिए। देखिए लाइट मैंने जलवा दिया, ये देखिए कैसा दिख रहा है। अब खोलते हैं, खोलने को तो टायर हमारा ऑलमोस्ट फिट होने वाला है। हमने ट्यूब लेकर गया था, इनका जो ट्यूब था वो ख़राब हो गया था जैसा कि मैंने आप लोग को दिखाया था। तो मैं ट्यूब तो डाल दिया हूँ इसके अंदर, लेकिन हमारे पास जो हवा डालने के लिए जो फुट पंप था वो शॉप पे ही छूट गया गलती से, तो हम फुट पंप लेकर के नहीं आ पाए। तो आप देखते हैं कैसे हमारी रात काली होती है और कैसे हम इसमें हवा डाल पाते हैं या नहीं डाल पाते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और देखते रहें कि क्या होता है आज हमारे साथ और कैसे हम इसमें सक्सेस हो पाते हैं या नहीं किसी की हेल्प करने में, और क्या है ये देखते रहिए। और प्लीज़ यार, इतना रात को मेहनत कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग यार वीडियो को लाइक कर दो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब। टायर हमारा फिट हो चुका है, तो चल के ढूंढते हैं कहाँ हवा वाला है या नहीं है। तो आप लोग वीडियो बने रहें और देखिए क्या होता है। यहाँ पे भी है, कहाँ पे?
कहाँ इधर है दिख रहा है आपको? हेलो, यहाँ पे पंप है ना कोई? ये हो रहा है भाई सामने इधर वाला। अरे हवा डालनी थी। आगे चले जाओ, अम्बेडकर के सामने चले जाओ। अरे इधर कोई नहीं डालेगा हवा, अम्बेडकर के सामने चले जाओ ना। हाँ तो अभी हम एक ऑटो वाले अंकल जी से पूछे हैं कि यहाँ पे कोई हवा डालने वाला है या नहीं है, तो उन्होंने बताया कि आगे एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पे जाकर के पता करो, वहाँ पे हवा डाल देगा, वहाँ पे 24 घंटे चालू रहते हैं पेट्रोल पंप। तो हम वहीं पे जा रहे हैं और देखते हैं वहाँ पर हमें हवा मिल पाती है या नहीं। तो आप लोग को भी दिखाएंगे, आप लोग वीडियो में बने रहे, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हम जा रहे हैं वहीं पर। तो अच्छा, तो ये रहा, दिख गया हमें पेट्रोल पंप, लाइक पेट्रोल पंप तो है सामने, बट वहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे हवा है या नहीं है, यहाँ चालू है हवा या फिर बंद है, क्या है क्या नहीं है मुझे भी नहीं पता है। तो आप लोग चलिए आप लोग को दिखाते हैं यहाँ पे क्या है। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ये देखिए इस तरह से हम जा रहे हैं, रोड के उस पार जाना है हमें, आप लोग को भी लेके चलते हैं। एक वीडियो में बने रहे और दिखाते हैं वहाँ पर हमारे साथ क्या हुआ। पहुंच गए और हम हवा चालू करने जा रहे हैं, देख रहे हैं हवा है कि नहीं। ओहो इसमें तो हवा ही नहीं है, लाइक मेरी तो आज लग भी पड़ी है भाई साहब, यहाँ पर भी हवा नहीं है। हमने कॉक चालू करके देखे, हवा नहीं है। ये देखिए, ये है एक गार्ड साहब से हमने पूछा कि यहाँ पे कहाँ से हवा डाल सकते, तो वो बता रहे कि बाहर है एक पाइप, उससे देख लो डाल करके, अगर डल जाए तो। तो अंकल जी बाहर से पाइप ला रहे हैं, उससे हम डाल करके देखते हैं। तो ये पाइप ले करके आ गए हैं, अब इससे डाल के देखते हैं डलता है कि नहीं हवा इसके अंदर। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, तो लाइक इससे डल गया हवा, इसमें था हवा डल गया, थैंक गॉड कि इसमें हवा था अभी और हमारा काम हो गया है। तो अब इसमें हवा डालते हैं, डाल करके अब लेकर के जाएंगे, फटाफट फिट करेंगे, रात बहुत ज़्यादा हो गया, वीडियो भी बहुत लंबी बन गई है। तो ये देखिए किस तरह से हम हवा डाल करके लेकर के जाएंगे अब। नहीं, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। तो हवा हवा डल गया हमारे टायर में, अब हम चलते हैं। तो सेफ्टी फर्स्ट, तो हम हेलमेट को लगाएंगे पहले, हेलमेट को लगा लिए और हेलमेट लगाने के बाद हम चलते हैं जल्दी, फटाफट गाड़ी के पास जाते हैं और टायर को फिट करते हैं और जल्दी से हम घर जाते हैं, क्योंकि बहुत ही रात हो गई है और घर पे जाना है मुझे और सोना भी, नींद भी आ रहा है लाइक। तो अब हम निकलते हैं, निकलने का एक यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देखिए ये क्या है, ये कस्टमर को अपने तरफ बुलाता है कि पेट्रोल पंप, हमारे पेट्रोल पंप पे आओ और डलवाओ यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से बुलाते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे देख करके लाइक। तो टायर को हम लेकर के आ गए हैं, गाड़ी में लगा दिए हैं, अब इसको फटाफट टाइट कर लेते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो था मेरे साथ, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरे साथ कि मैं इतना रात को किसी को आकर के हेल्प किया हूँ। मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ के लिए कि मैं आज इस बंदे को काम आया, इस बंदे को हेल्प किया मैं बहुत ही। और कितना कॉम्प्लिकेटेड, कितना मुश्किल था मेरे लिए ये, आप लोग देखे हो वीडियो में कैसे। और मैं थैंक्स तो उस अंकल जी को कहना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे बताया कि आगे है एक पेट्रोल पंप जहाँ पे हवा डल जाएगी, नहीं तो मैं वहाँ से लेफ्ट लेने वाला था। अंकल जी कह रहे थे कि यहाँ एक पेट्रोल पंप पे आ गए, बट पता नहीं वहाँ था या नहीं था ये मुझे नहीं पता था। बट वो अंकल जी से पूछे, अंकल जी ने हमें बताया कि आगे है एक पेट्रोल पंप, वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे डाल देंगे, वो 24 घंटे तक चलते हैं पेट्रोल पंप। तो ऐसा करके हमने इसमें हवा वगैरह डाल के ले आए हैं, अब इसको टाइट करते हैं फटाफट और चलते हैं, नींद तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो चलते हैं जा कर के अब फिट कर देते हैं फटाफट इस टायर को। तो ये ऑलमोस्ट फिट होने वाला है, तो इस चैन का सेटिंग रह गया, बस चैन का सेटिंग पहले चैन चढ़ा लेते हैं, उसके बाद उसको सेटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसको चैन को चढ़ा लेते हैं, तो आप लोग देख पा रहे हैं इस तरह से चैन को चढ़ा लिए, तो और इसको हम चैन को सेटिंग कर लेते हैं। तो ऐसे ही अगर आप लोग कहीं पे भी कुछ फंसते हो तो प्लीज़ यार आप लोग कोशिश करो किसी को फ़ोन करके बुला लो, और पहले इस चीज़ का ध्यान रखो आप लोग कि अगर आपके टायर में हवा वगैरह कम लगता है तो प्लीज़ डला लिया करो। इनको तो चलो टायर में कील लगा हुआ रहता है, कील लगा हुआ था, कई बार होता है कि विदाउट कील, जैसे कि कम हवा पर भी आप अगर चलाते हो तो भी हो जाता है। तो ये देखिए हमारा गाड़ी हो गया ओके, अब हम चलते हैं फटाफट जा कर के कमरे पर जाते हैं और दिखाऊँगा मैं आप लोग को। तो ये देखिए किस तरह से मेरा हाथ भी काले पीले हो गए पूरे, अब जाकर उसको धोएंगे, नहाएंगे धोएंगे फिर सोएंगे। तो ये देखिए हो गया है सारे भाई, बहुत बड़ी बात है। कैसा लगा भाई ऐसा? मतलब यार बहुत अच्छा लगा, यार बहुत अच्छा लगा, काम हो गया। मैं तो टेंशन में था, देख रहे हो मैं तो थर्मोकोल पता नहीं क्या क्या टायर में बांधने वाला था, रस्सी ले ली थी। कोई नहीं भाई, ये देखो तो अच्छा लगा, कैसा लगा मतलब?
ठीक भाई, ये हमारा YouTube चैनल है भाई, सब्सक्राइब करो उसको। बिल्कुल नाम बताओ। ये लो भाई, सर्च करो, दिखाओ फोन, मैं सर्च कर दे रहा हूँ, फिर आप कर लो। नहीं अभी एक महीना ही हुआ है चैनल को ये करके क्रिएट करके, बट कोई नहीं भाई, हम भी यही सब चाहते हैं। ये दिखा दे, तो इस पे MH टायर करके, क्या MH टायर, MH टायर, अच्छा MH, हाँ MH एक्सप्रेस TYRE, हाँ फ्रंट वाले सबसे ऊपर वाला जो है उसको सब्सक्राइब करो। ओके बॉस, बेल आइकन को भी दबा दो भाई। थैंक यू भाई, बिल्कुल थैंक यू भाई, कोई दिक्कत हो कॉल करना, ठीक है भाई। बिल्कुल यार, ठीक है धन्यवाद यार भाई, थैंक यू। ओके सर, ओके भाई, हैप्पी जर्नी भाई। और आपके सोने बिहार तिमारपुर ट्रक पार्किंग अंदर खजूरी में।